अदली एमएलए को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। एमएलए कुलदीप बत्स के घर में घुसकर मारने की धमकी और बदमाशों की धमकी पर बोले विधायक कुलदीप बत्स, जनता की सेवा करता रहूंगा, नहीं डरूंगा। ये कुलदीप बत्स ने कहा है। शुक्रवार को विधायक को दी गई थी मारने की धमकी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे, आपको बता देंगे बदमाशों की धमकी, मूसे वाला को नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो। इससे पहले भी हरियाणा का कई और विधायकों को धमकी दी गई है। एमएलए सुरेंद्र पवार रेणु वाला को भी मिल चुकी है धमकी और बादली एमएलए को जान से मारने की धमकी का ये मामला है। आपको बता दें कि एमएलए कुलदीप बत्स के घर में घुसकर मारने की धमकी जो है वो दी गई है। बदमाशों की धमकी पर बोले विधायक कुलदीप बत्स, कहा जनता की सेवा करता रहूंगा, नहीं डरूंगा। ये कुलदीप बत्स ने कहा है। तो शुक्रवार को विधायक को दी गई थी जान से मारने की धमकी और बदमाश ने धमकी दी है, मूसे वाला को नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज हो। भगवान ने लिखा है वो होगा। मैंने कोविड टाइम में मैंने 5 बार मौत को नजदीक से देखा है। भगवान ने उस टाइम मेरे को जीवन दिया है तो मेरा जीवन प्रत्येक उस व्यक्ति के हिफाजत के लिए, उस प्रत्येक व्यक्ति की भविष्य के लिए, मेरा पूरे मेरे बादली क्षेत्र हो चाहे मेरे हरियाणा के लोगों का हो, तो मैं मेरा हमारा एक फर्ज बनता है जो 5 साल की हमारे को जिम्मेवारी दी है तो हम लोगों की सेवा करें, लोगों की आवाज उठाएं। कोई लोग हमारी अगर हमारे को धमकी देंगे कि हमारे को दबाना चाहते हो या हमारी आवाज को दबाना चाहते हो तो मैं ये दबने वाला नहीं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज कौशिक जुड़ चुके हैं। मनोज, आपके पास आऊंगे एक बार फिर से, विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। मनोज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ तो बादली से विधायक कुलदीप बत्स हूँ। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी 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 जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ बादली से विधायक कुलदीप बत्स है, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उनका जो निवास स्थान है पटौदी में, गुड़गांव के पटौदी में रहते हैं। पटौदी जो निवास स्थान है वहीं पर जान से मारने की धमकी दी गई है और पूरे जो घटनाक्रम उस पर अगर एक बार प्रकाश डाल दे तो इसका मामला यह है कि दोपहर करीब 2 बजे 4 या 5 युवक उसके मकान, उसके निवास स्थान पर पहुंचे थे। जिस समय जो युवक वहां पहुंचे, जो बदमाश वहां पहुंचे, तो विधायक स्वयं वहां मौजूद नहीं थे लेकिन उनका परिवार जो था वो वहां मौजूद था। जो बदमाश ने दरवाजा खुलवाया और जैसे ही दरवाजा, एक वहां से कार्यरत कर्मचारी है, नौकर है, उन्होंने जिस प्रकार से दरवाजा खुला था, चारों जो बदमाश थे उस पर झपट मरे और उन झपटे और उनके साथ मारा पीटी करते हुए उनसे विधायक का जो अता पता वह पूछा और साथ ही उन्होंने जो उस कर्मचारी को कहा कि अपने विधायक को कहना कि हम जब मूसे वाला के साथ घटना हो सकती है तो विधायक क्या चीज है। मनोज, सीधी सीधी धमकी दी है, जब मूसे वाला को नहीं छोड़ा गया तो आप क्या चीज है, ये सीधा सीधा कहा है। लेकिन कुलदीप बत्स ने भी साफ कहा है कि मैं जनता की सेवा करता रहूंगा, नहीं डरूंगा। जी बिल्कुल, जब इस मामले में विधायक कुलदीप बत्स से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके पीछे तो बादली की जनता है, उनकी ताकत है, हरियाणा की ताकत उनके साथ है और वह किसी भी सूरत में इन बदमाशों न डरेंगे और न ही घबराएंगे। और जो विधायक की अगर बात को माने तो विधायक का कहना है कि उन्होंने पिछले दिनों विधानसभा में जो बादली क्षेत्र हरियाणा में जो नशे के खिलाफ जो मुहिम थी उसको उठाया था, उस मुद्दे को उठाया था। साथ ही उन्होंने बदमाशों के खिलाफ लगाम लगाने की मांग भी विधानसभा में उठाई थी। इसी को लेकर कुछ बदमाशों ने उन्हें पहले भी कुछ धमकियां दी लेकिन इस बार जो धमकी देने का मामला हो, 2 कदम आगे बढ़ते हुए घर पहुंचकर धमकी दी गई है, हथियार दिखाया गया है। और मैं यहां बता दूं हरियाणा में जिस प्रकार विधायक को धमकी दी गई है, विधायक का या बादली के विधायक का पहला मामला जो घर पहुंचकर हथियार दिखाया गया, क्योंकि इससे जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए।